बृहद गो संरक्षण कार्यक्रम को लेकर आज बिजनौर डीएम उमेश मिश्रा ने भारी बारिश के बीच विद्रकुटी स्थित आश्रम और छाछारी मोड़ स्थित गौशाला का निरीक्षण किया और यहां पर मौजूद कर्मचारियों को गौशाला संबंधित निर्देश दिए। डीएम ने गौशाला में काम कर रहे कर्मचारियों को कहा कि गायों को किसी तरह की चारे की कोई कमी ना हो, इसके लिए नगर पालिका द्वारा चारे की व्यवस्था कराएं। साथ ही ठंड के मौसम में गायों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उचित व्यवस्था करें। साथ ही डीएम ने पशु विभाग के डॉक्टर को मौके पर बुलाकर समय समय पर गायों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश भी दिए। डीएम उमेश मिश्रा ने विद्रकुटी स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण करते हुए सभी वृद्धों को कंबल वितरण करके उनका हालचाल जाना। सर्दी के मौसम में किसी भी वृद्धा को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने विद्रकुटी आश्रम के मैनेजमेंट को निर्देश दिए कि इस समय वृद्धों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से आश्रम का मैनेजमेंट ध्यान रखे। साथ ही कोई भी दिक्कत होने पर तुरंत सूचना दी जाए। ये ऐसा है कि हमारी सबसे रिमोट की गौशाला है, यहाँ करीब 400 के आसपास पशु हैं हमारे, जिनको ये देखने की आए थे कि हाँ वास्तव में पशुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, उनको खाने पीने की चारा है, पानी है, और उनके किनारे जो शेड बने हुए उनके किनारे हवा से रोकने के लिए पॉलिथीन लगाई गई या नहीं लगाई गई, बाहर तो जानवर नहीं घूम रहे हैं, पानी में तो नहीं है जानवर, कोई फंसे तो नहीं है, इसीलिए एकाएक आकर के देखा गया तो यहाँ व्यवस्था ठीक पाई गई है। इसको और बेहतर कैसे किया जाए, जानवरों को और कैसे पौष्टिक आहार मिले और वो स्वस्थ रहें और उनको कोई असुविधा न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।